सो गाइस, क्या हाल चाल है सबका? होप करता सब बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। आज का व्लॉग हुआ है शुरू शाम को, एंड काफ़ी दिन के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। मे भी 10-15 दिन के बाद व्लॉग बना रहा हूँ, एंड काफ़ी दिन के बाद निकला हूँ घर से। वैसे ही थोड़ा सा बीमार हो गया था, एंड थोड़े से काम थे जो करने थे, उसकी वजह से निकल नहीं रहा था। दिन में सारा दिन काम पर निकल जाता था, बैठे बैठे कंप्यूटर पर। बस अभी निकला हूँ घर से, थोड़ा सा काम है तो वो चलते हैं, मार्केट करते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ नया। आज इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं ना। सबसे पहले करवाते हैं फ्यूल अप, एंड फिर मिलते हैं आपसे आगे जाके। तो गाइस, फ्यूल अप करवा के निकल चुके हैं, एंड मार्केट की तरफ जा रहे हैं। एंड ये मैंने नया आप यहाँ से ना वो बैटमैन का ना उतार दिया था, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने बैटमैन का जो स्टिकर बनवाया हुआ था ना यहाँ पे, मैंने उतार दिया, क्योंकि वैसे भी वो ट्रेंड थोड़ा सा ओल्ड कर दिया था, आपको पता है। शुरू शुरू में अच्छा लगता था, बट अभी मैंने उतार दिया। यहाँ पे सिर्फ मैंने सिंपल अपना चैनल का नेम लगा दिया है। दिवाली की तैयारी हो रही है। एंड लास्ट टाइम पता क्या हुआ, जैसे हम वहाँ पे लॉन्ग ट्रिप पे गए थे ना हमारी, तो वहाँ पे जैसे मैंने ना काफ़ी वीडियोस जो थी, जो क्लिप्स थी ना, मैंने फ़ोन पे शूट की थी, एंड वो फ़ोन पे शूट करने के कारण ना उसमें से काफ़ी क्लिप्स जो थी ना वो म्यूट हो गई। मतलब पता नहीं मेरे को क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बट वो ना आधी से ज़्यादा क्लिप में ना, मतलब बीच बीच में ऑडियो भी मिसिंग है, और बस उसकी वजह से मैंने वो ब्लॉग अपलोड नहीं किया। एंड बाकी फिर वो पता क्या, वो आधा व्लॉग जो गोप्रो पे शूट किया था उसमें तो ऑडियो है, बट जो फ़ोन पे क्लिप्स मैंने शूट की थी उसमें ऑडियो नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है, कोई सेटिंग शूटिंग मेरे से ख़राब होगी फ़ोन में, क्योंकि आपको पता है पहले मैं एंड्रॉयड चलाता नहीं था, मैं उसकी वजह से कोई ना मेरे से सेटिंग ख़राब हो गई है वो, तो बस वो व्लॉग इसलिए नहीं अपलोड किया मैंने। आधा से ज़्यादा क्लिप फिर बाइक पर व्लॉग करते रहते, मतलब उसमें बात, बाकी मैंने फ़ोन पर भी शूट किया था जो हमने वहाँ पर बातें शाती की, एंड जो हमने सरप्राइज दिया था आपको पता लग ही गया। बट बाकी सरप्राइज सुनने आपके जल्दी जल्दी आ रहा है सरप्राइज। सो फाइनली गाइज, मार्केट पहुंच चुके हैं, एंड छोटे मोटे 2-3 काम है वो करेंगे। एक तो मैंने इसका ना जो अपना ये ना मेरे शूज़ गंदे हो गए, देखो इसकी वजह से हो गए, ये ना जो गियर क्या उसको लीवर बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, एंड उसका वो कवर लेना है एक, एंड एक लेनी है मैंने कंपाउंड, जो स्क्रैचेस पड़े थे लास्ट जो एक्सीडेंट हुआ था ना उसकी वजह से यहाँ स्क्रैचेस पड़ गए काफ़ी। तो मैंने एक बाइक से डिस्कस किया था, मैंने पेंट वाले बाइक के पास गया था, मैंने बोला था, बोल रहा था यहाँ पे ना अकेले कंपाउंड ना जो है वो मार दो, उससे वो ठीक हो जाएगा। एंड बस वही 2-3 चीज़ें लेनी है, एंड एक तो काम है और मार्केट के वो भी करने हैं। यहाँ से निकलते हैं, एंड वो करते हैं, भाई बैठा पीछे कर करके छोड़ दिया हमने, जो नए बच्चे हमारे पता ही है जिसको बोल रहा हूँ, जिनको पता है उनको पता है। एंड पहले सबसे पहले चलते हैं, छोटे 2 काम है वो करते हैं, फिर मार्केट का सामान जो लेना है वो लेने चलते हैं आगे। गाइस निकल चुके हैं यहाँ से, काम तो काफ़ी लंबा हो गया हमारा, काफ़ी टाइम लग गया हमें, 1.5 घंटा लग गया वहाँ से निकलते। एंड जा रहे हैं भाई निकोतो से मिलने, आया हमारा भाई आपको पता ही है साबी, तो निकोतो चौक खड़ा है उसको मिलने जा रहे हैं, अभी वो वेट कर रहा होगा हमारा। एंड मिलते हैं तो बातें शाते करते हैं, चाय वाय पीते हैं, एंड निकलते उसने वापस चले जाना है, क्योंकि सैटरडे को फिर वो आएगा, फिर रैक के जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से जा रहे हैं निकोतो चौक की तरफ, काम करने गए थे, वो वाला काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जिससे बंदे से मैंने मिलना था वो था नहीं, तो बाकी बातें कराए हैं, थोड़ी सी पेमेंट वेमेंट का सीन है, पेमेंट करके देन फिर हम कर देंगे, आपको पता ही है अभी, बट बताना नहीं है, सरप्राइज़ है बस। बाकी वीडियो के साथ जुड़े रहो, हाई पर अभी करने का मन नहीं है मेरा, बाकी व्लॉग तो बनाएंगे। एक छोटा सा काम यहाँ पे है वो भी करेंगे, पहले भाई को मिलते सबसे पहले, एंड यहाँ से निकलते हैं, एंड कुछ देखते हैं, चाय वाय पीते कुछ खाते हैं, पहले सबसे पहले भाई को मिलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने दोस्त की R15 पे, बोला था ले जा तो आज के दिन, तो अभी जा रहे हैं लेके इसको, एंड छोटा सा चला के देखेंगे, भगा के देखेंगे। एंड भाई बैठ गया पीछे हमारा, थोड़ा सा इसको देखते हैं भगा के। पर क्या गाओ गुरुआ, भगा के देखेंगे इसको। तो गाइस अभी आ चुके हैं पल्सर 220 लेजेंडरी बाइक पे,
वधिया बाइक बहुत है, बहुत वधिया मोटरसाइकिल है। बढ़िया सगो स्टॉप पे मारा जस्ट। तो गाइस यहाँ से निकल चुके हैं एंड अब चलते हैं घर को। आपको देखा मैंने एक फ्रेंड मिला था, मेरे को फ्रेंड कहा था, मतलब दोस्त ही बन गया अपना वो, ऐसे मिला था मेरे को दोस्त एंड बोला भाई एक बार मेरी बाइक चला के देखो, मतलब वो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह करता है तो बोलता है भाई मेरे को भी साथ ले जाया करो अपने साथ में। मैंने कहा भाई हमने किसी को मना नहीं किया, तो क्या होता है हम ना किसी की जिम्मेवारी नहीं लेते। क्या क्या होता है बंदे पता नहीं कैसे चलाते हैं बाइक, कैसे नहीं चलाते, रास्ते में कोई अपनी वजह से क्या होता है कि बाइकर को देखने लड़के क्या करते हैं, थोड़ा सा ना हाइपर करना शुरू कर देते हैं। हमें तो पता है हमें हमारी कितनी लिमिट है, दूसरे बंदे का हमें पता नहीं कितनी लिमिट से चलाएगा। इसलिए इसकी वजह से ना मैं किसी को अपने साथ में रखता नहीं, क्योंकि वो जिम्मेवारी बन जाती है एक बंदे की कि वो बंदा साथ में है, कल को किसी के साथ बच गया या वैसे कहीं गिर गया तो जिम्मेवारी है हमारी। वो अगर उसकी वजह से किसी और को चोट लग गई तो मतलब वो लेने के देने पड़ जाते हैं। इसकी वजह से ना मैं किसी को ना साथ नहीं रखता, वो बंदा वही मेरे साथ रहता है जो बंदा जिम्मेवार है, क्योंकि उसको पता है कि कितनी लिमिट रखनी है और किसकी नहीं है। और बाकी ना मैं किसी पे ऐसे जल्दी भरोसा नहीं करता, तो इसकी वजह से मैं अपने साथ किसी को जल्दी लेके नहीं जाता। तो जो मेरे पीछे बैठते हैं वो चलो मेरे भाई हैं सर, बाकी देखते हैं, बाकी प्लान बना रहे हैं एंड कुछ करेंगे नया सून, जल्दी ही करेंगे एंड चलते हैं बस घर को जा रहे हैं। अभी कुछ खाएंगे, वैसे तो सब भी आया था उसके साथ, थोड़ा सा खा पी लिया था हमने, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी ली थी, थोड़ा सा गला अभी उसकी वजह से ना भारी हो गया मेरा, थोड़ा सा लग रहा है मुझे एंड घर पे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, उनको लेके मैं जाना है चर्च, तो चर्च जाना अभी टाइम हो गया, कोई 5 बज गए पूरे, तो उनको 8 बजे का बोला था मैंने वैसे, तो टाइम से तो जा रहे हैं, लेट नहीं हुए हमें इतना, फिर भी अंधेरा हो चुका है। बाकी एक सरप्राइज़ सुन है, एक सरप्राइज़ नहीं आपके पास 3 दिन सरप्राइज़ आएंगे, तो ठा करते 3 सरप्राइज आपके पास जाबी जी के ना सुटना ही है, बस बस वो ही आ दसिद्धू मूसे वाले ना गाने करते होंगे ठा ठा जट दे, ठा ठा करते 3 सरप्राइज तुहानू सुन मिल जाने आ, ये भी नवंबर के बिच ही तुहानू मिल जाने 3 सरप्राइज, तो नवी पेशकश कर रहे हैं। तो बस यहाँ से चलते हैं आगे, हिंदी में मिक्स हो गई है थोड़ी सी, निकलते हैं यहाँ से आगे चलते भाई बैठा पीछे, तो अभी और जो काम है हमें रास्ते में वो हम कर लेंगे साथ में साथ, अभी यहाँ पे भी काम है देखते हैं, थोड़ा रश कम होगा तो अभी कर लेंगे। तो अभी घर को जा रहे हैं, आगे लगा नाका पुलिस वाला का, तो तब तक लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। मतलब आज तो थोड़ा काम था हमें, आपको मैंने बताया था कि तीन चार दिन के एक हफ्ता हो गया हमसे, हमें घर से बाहर निकला और काम 3-4 इकट्ठे हुए पड़े थे, वो हमने करने थे, वो हमने कर लिया, सामान वामान थोड़ा सा लेना था वो हमने ले लिया सामान। वीडियोज़ मैंने इसके लिए नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी था और तब मैंने कैमरा वैमरा नहीं ऑन किया, थोड़ा सा रश भी था मार्केट में, इसकी वजह से मैंने वीडियो वगैरह क्लिप वगैरह नहीं ली। बस यहीं पे फिनिश करते हैं इस वीडियो को, चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, शेयर कर दो, कमेंट कर दो अच्छा सा एंड बहुत बड़ी बोल दिया मैंने छोटे इस बात को। तो अभी निकल रहे हैं घर के पास पहुँच चुके हैं एंड मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड होप करता हूँ कल वीडियो आ जाए, आ जाए तारीख कोई मेरे हिसाब से 3 तारीख हो गया आई थिंक या 2 होगी नवंबर की, मेरे को याद नहीं है, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, सी यू, बाय बाय।